इसके बाद हमारे पास जो तीसरा लफ्ज़ है उर्दू हरफ तहजी में, वो है बे। ये देखिए, बिल्कुल एक कश्ती की तरह बे, और नीचे हमने नुक्ता लगा दिया। फिर से एक दफ़ा देखिए, ऐसी एक छोटी लकीर बनाई और उसके बाद सीधी लेटी हुई लकीर बना के, और उसके बाद दोबारा से ऊपर एक लकीर बना दी, नीचे नुक्ता लगा दिया। आवाज़ कैसी है? ब ब। ये देखें, है ना आसान? इस तरह से सारे आपने लफ्ज़ अल्फाज को यहाँ पर ट्रेस करना है बच्चों। देखें, वाह कितना आसान है। यहाँ से शुरू किया पेंसिल को लेके, फिर यूँ लंबा ऐसे लेके गए और फिर ऊपर ले गए लाइन को। वाह नो तुमने अलिफ और अलिफ मद आ तो लिखना सीख लिया है, खुश हो ना? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने दो हर्फ सीख लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम क्या सीखेंगे मुन्नू? आज हम जिस हर्फ को लिखना सीखेंगे वो है बे। ये देखो, ये बे है। ये बे है? मुझे तो ये कश्ती लग रही है। कश्ती लग रही है लेकिन है नहीं, ये बे की पूरी शक्ल है। मेरे साथ पढ़ो। जुराब, किताब। मुन्नू क्या तुम बता सकते हो कि इन अल्फाज में बे कहाँ है? वो कश्ती जैसा बे। हाँ मुन्नू, कश्ती जैसा बे। वो तो मैं फौरन बता सकता हूँ। इन दोनों अल्फाज में बे यहाँ है। सही बताया ना? हाँ बिल्कुल सही बताया, शाबाश। ये बे की पूरी शक्ल है। आओ इसको भी लिखना सीखते हैं। बच्चों अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद से लिखने की कोशिश करें। और हाँ, कश्ती के नीचे एक नुक्ता लगाना नहीं भूलिएगा। बाय। शीट नंबर 6। हर्फ बे। हर्फ बे से मुतल्लिका दुरुस्त तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। बे बकरी, बे बिल्ली, बे बाल्टी, बे बतख और बे बंदर। वर्कशीट नंबर 7। नुक्ते मिलाकर हर्फ बे मुकम्मल करें और तस्वीर में रंग भरें। बे बतख,